हाय गाइस वेरी वाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज की जो कहानी है वो ऐना कहने लियोटॉल की मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो पहले ऑलरेडी इस इसमें मैंने सात या आठ पार्ट बना दिए हैं अपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने वीडियोज़ देखिए ये कहानी है बीच में से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी अब कहानी में है क्या यहाँ पे एक सीन है जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किट्टी की तबीयत बहुत खराब है और किट्टी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है डॉक्टर्स ठीक कर नहीं पा रहे हैं अभी उसको तो होता क्या जो डॉली है अब वो किट्टी के पास आती है डॉली किट्टी की बड़ी बहन है और स्टीफन की वाइफ है ये सब हम जानते हैं अगर आप स्टोरी मेरी सुन रहे हैं स्टार्टिंग वीडियोस से तो आपको अभी तक मालूम पड़ गया होगा कि डॉली कौन है तो अब डॉली के लिए क्या है यहाँ पे कि वो यहाँ पे आई क्यों है किट्टी के पास उसकी दो रीज़न है पहला रीज़न तो ये है कि जो डॉली का हस्बैंड स्टीफन है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ सुधरा नहीं है वो वापस उसको लगता है डॉली को कि चीट करता है उसको रात रातर बाहर रहता है घर वापस नहीं आता और जाता भी है अगले दिन जब डॉली पूछती है कहाँ गए थे तो रीज़न नहीं बताता डॉली को शक होने लगता है उसकी हरकतों से उसकी आंखों से उस चीज़ को पढ़ लेती है कि अभी मुझे चीट कर रहा है ये सुधरा नहीं है जबकि एना ने कोशिश की थी कि इनके रिलेशन को ठीक करे और उसने बहुत माफ़ी भी मांगी थी स्टीफन ने लेकिन स्टीफन सुधरता नहीं है वो वैसे का वैसे ही रहता है ठीक है तो डॉली इस चीज़ से काफ़ी खफा थी तो वो उसकी प्रेजेंस में रहना नहीं चाहती थी वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी पहली चीज़ ये सेकेंड जो किट्टी है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो और उसको लगता था कि एज आ कोई बड़ी सिस्टर है तो उसका फ़र्ज़ बनता है एक बार जाके अपनी छोटी बहन को देखें तो इन दोनों वजह से वो किट्टी के घर पर आई है तो सब चले जाते हैं वहाँ से डॉक्टर भी चले गए हैं सब लोग चले गए हैं तो अकेले में है किट्टी दौली उसके पास जाती है उससे पूछती है ये ठीक तो हो तुम अब कैसी हो किट्टी कुछ बोलती नहीं है उसकी जो हालत है काफ़ी ख़राब है उसका काफ़ी वेट गिर गया है काफ़ी थिन हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली उसको फीवर था लंबे टाइम से और वो खाना वाना भी नहीं खा रही थी ठीक है तो हालत काफ़ी उसकी ख़राब थी तो जब डॉली ये चीज़ देखती है तो उसे काफ़ी ख़राब लगता है किट्टी को देख के उसकी हालत खराब खराब होती है तो डॉली बोलती है उससे कि किट्टी आई नो यू आर वेरी सैड और मैं सब जानती हूँ कि ये तुम्हारी जो हालत है इसके पीछे क्या वजह है तो किट्टी कहती है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है मेरी नॉर्मली तबीयत ख़राब है और कुछ नहीं है मैं ठीक हो जाऊँगी डॉली कहती है कि मुझे सब पता है ठीक है तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ तब तो वो जब पॉइंट उठता है तो जब वो डिस्कशन कर रही है तो वो कहती है उससे कि तुम्हें उस इंसान के लिए सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो किट्टी जब ये बात सुनती है ना तो उसको थोड़ा सा ख़राब लगता है उसको उस टाइम वो इस तरह के स्टेट में थी कि उससे किसी से बात करना पसंद नहीं था वो किसी की सलाह लेना चाहती नहीं थी तो कहती है कि तुम ऐसे ये सब बातें क्यों कर रही हो तो डॉली कहती है कि वो बंदा वर्थ नहीं है जिसके लिए तुम इतना सफ़र कर रही हो जिसके वजह से तुम तुम्हारी ये जो भी हालत हुई है मैं जानती हूँ तुम उसके प्यार में हो लेकिन वो लायक नहीं है तो अब किट्टी को थोड़ा गुस्सा आता है वो कहती है कि क्यों उस लायक नहीं है क्योंकि उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया इसलिए उस लायक नहीं है अब थोड़ा वो गुस्से में है किट्टी तो डॉली कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था हो सकता हो तुमसे प्यार करता हो मना नहीं कर रही बट प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो तो किट्टी को तभी डॉली बात बोलती है इसको और गुस्सा आ जाता है वो कहती है प्लीज़ तुम मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करो तुम्हें कुछ बात पता नहीं है सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें सुन के तुम मुझे लेक्चरबाजी कर रही हो वो हिसाब से बोल देती है उसको टी होती है डॉली ऐसे बोलती है अब डॉली ये चीज़ थोड़ी ख़राब लगती है उसको लगता है यार मैं तो उसको समझाने आई हूँ मैं इसकी हेल्प करने आई हूँ अपनी बहन की और ये उल्टा मेरे पे ही ऑफेंसिव हो रही है मेरे पे उल्टा सीधा बोल रही है ठीक तो है तो डॉली उसको समझाने की कोशिश करती है कहती है कि तुम्हें एवन मिला था एवन ने तुम्हें प्रपोज़ किया बट तुमने उसको मना कर दिया एक बार तुम्हें कंसिडर करना चाहिए था ठीक है वो ये सब बातें करती है अब जैसी वो चीज़ सुनती है ना कि वो डॉली है वो चुप नहीं हो रही है वो अभी भी उसको लेक्चर दे रही है उसे गुस्सा आता है किट्टी को तो गिट्टी बोलती है पहले तुम अपने घर को तो देखो अपने आप को तुम संभाल नहीं पा रही हो अपने हस्बैंड को तुम संभाल नहीं पा रही हो उधर जा रहा है ठीक है वो खुद किसी और दूसरी वुमेन की के पीछे पड़ा हुआ है ठीक है खुद उधर उधर अफेयर चला रहा है अपना घर तुमसे संभलता नहीं है तुम मुझे लेक्चर देने आई हो वो ये बात बोल देती है डॉली को अब जैसी वो ये चीज़ बोलती है डॉली को तो डॉली को बड़ा ख़राब लगता है बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगता है इंसल्टिंग लगता है तो वो कहती है किट्टी से किट्टी मेरा ये मोटिव नहीं था तुम्हें कहने का मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी आई एम सॉरी इफ आई एव हर्टेड यू तो अब थोड़ा सा किट्टी को भी रियलाइज़ होता है कि उसने शायद ज़्यादा बोल दिया उसको चीज़ रियलाइज़ होती है तो एकदम से ना उड़ जाती है बिस्तर बैठती है एकदम से उड़ जाती है कहती है मैं जा रही हूँ रूम छोड़ के लेकिन थोड़ा सा आगे जाती है फिर दिमाग में आइडिया आता है कि ये थाट आता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उसने कुछ गलत बोल दिया है अब ये डॉली को देखती है डॉली वहाँ बैठी हुई है टेबल पे और डॉली परेशान है उसने अपना मुंह नीचे करा हुआ ऐसे करके ना और ऐसे बैठी हुई है उसने जितनी कोशिश कर सकती थी एज अ बड़ी बहन के उसके नाते उसने कोशिश करी उसको समझाने की लेकिन किट्टी को उस टाइम बात समझ में नहीं आई इनफैक्ट किट्टी तो ऑफेंसिव हो गई उसने डॉली के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया कि पहले तो अपना घर तो देख लो पहले अपने पति को तो संभाल लो वो तो खिधर खुद इधर कहीं और दूसरे वुमेन के चक्कर में इधर जा रहा है वही सब बातें बोल देती है तो डॉली को ख़राब लग जाता है तो उदास है उसने चेहरा अपना नीचे गया हुआ है किट्टी उसके पास आती है वापस ठीक है और उसको हक कर लेती है और रोना शुरू कर देती है तो कहती है सिस्टर से कि सिस्टर आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड आई टेक माई वर्ड्स बैक गलती से मेरे से हो गया तो डॉली कोई बात समझ में आती है कि वो परेशान है डॉली भी उसके गले लगती है और दे बोथ स्टार्ट क्राइम थोड़ी देर बाद दोनों चुप होती हैं डॉली बोलती है कि किट्टी मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ कि मैं खुद पेन से निकली हूँ मैं पेन से निकल चुकी हूँ और वही बात डॉली को समझ में आती है वो कि किट्टी की आंखों में ना वो एक उदासी देख रही है उदासी दो वजह से थी उस चीज़ को रीड कर लेती है टोल स्टोर ने लिखा ये उदासी किस वजह से थी उसकी आंखों में किट्टी की पहला रीज़न ये था कि लेवन उससे प्यार करता था और वो लेवन के प्यार को समझ नहीं पाई उसने लेवन को रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ का उसको गम है दूसरा व्रॉन्स् ने उसको डिसीव किया उसको धोखा दिया क्योंकि खुद वो एना के प्यार में पड़ गया तो उसको उस चीज़ का बड़ा वो था कि गलत आदमी के चक्कर में उसने सही आदमी को छोड़ दिया लेवन उसको तो सच में प्यार करता था डिज़र्व उसको वही करता है लेकिन खुद वो ब्रौनसी के ब्रॉन्सी के चक्कर में पड़ गई ब्रॉन्स की ने उसको धोखा दे दिया है के चक्कर में तो उसको इस उस चीज़ पर बड़ा अपने आप से खुंदस है शी इज़ फीलिंग इरीटेटेड विद हर सेल्फ ये एक चीज़ है तो उसकी वजह से उसने उस, उसकी आंखों में उदासी है जो उसको बहुत हद तक जो फीवर था जो उसकी तबीयत ख़राब थी नहीं थे लंबे टाइम से तक उसका जो कनेक्शन है वो इमोशनल है यहाँ पे क्लियर होता है वो जो डॉली है उसकी आंखों में वो चीज़ पढ़ लेती है और जो डॉली है उसकी आंखों में भी इट्टी चीज़ पढ़ रही है वो ये पढ़ रही है कि वो एक तरह से कैद में फंसी हुई है क्योंकि वो उस घर में उस इंसान के साथ रह रही है जिससे वो प्यार बहुत करती थी एक टाइम पे स्टीफन से लेकिन स्टीफन अभी भी सुधरा नहीं है वो अभी भी कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व है तो जब उसको वो चीज़ दिखाई देती है ना उसकी आंखों में तो सुस्ती है मतलब इज़ काइंड ऑफ इन काइंड ऑफ अ प्रिजन ये बात ध्यान रखना किट्टी की पास अभी फ्रीडम है बिकॉज किट्टी इज़ नॉट मैरिड वो अभी भी डिसीज़न ले सकती है उसके पास चॉइस है लेवन के पास जा सकती है पर स्टीफ जो डॉली कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैंने बोला उस टाइम पर डिवोर्स लेना आसान नहीं था बहुत मुश्किल था बिकॉज डिवोर्स लॉ के नहीं था वो दूसरे तरीके से होता था उसमें काफ़ी बड़ा जो रोल है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का है वो आसान नहीं था उसकी हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि डिवोर्स वो ले नहीं सकती और जिस आदमी के साथ अब वो रहती है वो कहीं और इनवॉल्ड है और रिपीटेडली वो वो कर रहा है उसको बिटरे कर रहा है उसकी सिस्टर इन लॉ ने समझाया भी है ना ने समझाया भी लेकिन फिर भी वो नहीं मानता वो बार बार फिर वो वही उसका रिपीटेड बिहेवियर है तो वो तो फंस गई है उसको वहीं रहना पड़ेगा उस घर में तो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है शी इज़ अ काइंड ऑफ अ इनविजिबल प्रिजन ये चीज़ निकल के आती है खैर दोनों जो सिस्टर हैं एक दूसरे को समझती हैं और गले रख के रो रोती भी हैं ठीक है लेकिन एटलीस्ट इससे ये होता है देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है इसके सीन के थ्रू जो टॉल स्टॉल दिखा रहा है कि जो फैमिली में कुछ रिलेशन जो होते हैं अगर ट्रू रिलेशन है तो वो खराब टाइम में इंसान का बहुत साथ देते हैं ऐसा नहीं कि वो दोनों एक दूसरे की अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी और वो तो विथ टाइम अपने आप सॉल्व होंगी लेकिन एटलीस्ट आपके पास कोई डिस्कस करने की तो है बात किसी से बात शेयर तो कर पा रहे हो डॉली और किट्टी अपना जो दर्द है वो आपस में शेयर तो कर रहे हैं भले ही पहले कुछ बिटरनेस आई थी कॉन्वर्सेशन में लेकिन एंड में आते आते वो ठीक हो गई नाउ दे कैन ओपन अप तो कोई तो है बात करने के लिए किट्टी के पास डोली तो है डोली के पास किट्टी तो है तो ये जो बॉन्डिंग दिखाइए ना आ, आ, क्या कहते हैं सिबलिंग्स में अगर वो सच में अच्छी होती है अगर डीप बॉन्डिंग है तो वो क्राइसिस के टाइम पे एडवर्स कंडीशन में बहुत हेल्प करती है क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना इंसान के साथ एडवर्स कंडीशन में भी होती है उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता अकेले अंदर ही अंदर घुटता रहता है अकेले अंदर घुट घुट के मर जाता है ठीक है बहुत सारी जो मेंटल सफरिंग है साइकोलॉजिकल सफरिंग है इसीलिए है क्योंकि आदमी अपने अंदर ही घुट घुट के मर जाता है उसके पास एक भी इंसान नहीं होता जिससे वो जाके अपनी दिल की बात को बोल सके तो ये चीज़ है तो यहाँ पे इस केस में तो दिखा रहा है टोल्स्टो कैसे जो सिस्टरली बॉन्डिंग है वो दोनों को हेल्प कर रही है एक साइकोलॉजिकल हेल्प मिल रही है दोनों को तो यहाँ तक का ये सीन था ठीक है सीन चेंज होता है सीन इसमें क्या अब ये दिखाया गया है? जो एना है एना तो पीटर्सबर्ग में वापस आते हैं क्योंकि ये पहला सीन बताया है ये मॉस्को का है तो वापस पीटर्सबर्ग आते हैं एना पीटर्सबर्ग में और जो किटी है वो मॉस्को में थी तो पीटर्सबर्ग में क्या है व्रॉन्स् से मिलने से पहले एना बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी लोगों से उसको ज़्यादा पार्टी वार्टी करना पसंद नहीं था जबकि बहुत इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से तो मैंने आपको बताया था जो उसका हस्बैंड एलेक्जी है हीज़ अ स्टेट्स कोई लीडर है कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है इन्फ्लुएंशियल बन है बट उसको मौके बहुत मिलते थे पार्टीज करने के मीटिंग्स करने के लेकिन वो जाती नहीं थी वो काइंड ऑफ आइसोलेटेड रहती थी उस वर्ल्ड से उसका कनेक्शन था नहीं उसको लगता था ये सिर्फ एक पोटेंशियस वर्ल्ड है एक शो ऑफ वाला वर्ल्ड है शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट तो होता क्या है कि उसका इंटरेस्ट था नहीं लेकिन व्रॉन्की के आने के बाद ना उसकी लाइफ में चेंज आता है चेंज कैसे आता है इंटरनली उसको लगता है क्योंकि ये पता था उसको कि व्रॉन्सकी भी पीटर्सबर्ग में है और व्रॉन्सकी के बारे में वो चीज़ जानती थी कि व्रॉन्सकी जो है केयरफ्री बंदा है वो पार्टी वार्टी करता है तो कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ माइंड में था शायद अगर वो पार्टी करेगी उसको व्रॉन्सी दिख जाएगा व्रॉन्सकी से उसका एनकाउंटर हो जाएगा ठीक है तो वहाँ अपना कहानी में एक लेडी है वो व्रॉन्सकी की कज़न है उसके रिलेटिव है उसका नाम है प्रिंसेस बैट्सी करके जो तो प्रिंसेस बेटसी है वो एना को भी जानती है ठीक है और वो उसका अपना एक सोशल सर्कल है और बड़ा ही वेल्दी और इन्फ्लुन्शल सोशल सर्कल है तो उसको समझाती है एक दिन एना को मिलती है कि ये जो तुम इतना आइसोलेटेड रहती हो बिल्कुल ही अलग थलग रहती हो दुनिया से ये चीज़ें तो ओल्डर वुमेन के लिए है। तुम तो अभी बहुत यंग हो इक्कीस बाईस साल की हो तो तुम्हारे अंदर तो एक यूथ है तुम्हारे अंदर तो एक एक एस्परेशन है ड्राइव है तो तुम तो पार्टी वार्टी करना चाहिए तुम्हें खुश रहना चाहिए क्या तुम एकदम अकेले कमरे में रहती हो और एकदम एक बड़ी अजीब सी जिंदगी जी रही हो आइसोलेटेड वर्ल्ड में रह रही हो तो यू शुड कम आउट एंड यू शुड इन्जॉय लाइफ तो इस तरह की बातें करती है प्रिंसेस बेट तो वो कहती है ऐसे तो तुम बिल्कुल मुरझा जाओगी अकेले अकेले रहोगी ठीक है लाइफ का मतलब ही है कि ये यूथ में अगर तुमने इन्जॉय नहीं किया तो फिर बाद में तुम क्या इन्जॉय करोगी लेट्स बी हैप्पी कहती आओ तुम पार्टी वार्टी करो अब वो पार्टीज़ में जाती है उसके बाद उसको ठीक लगती है और वैसे भी उसके बैक ऑफ माइंड में था कि वहां की शायद उसको मिल जाएगा वहाँ पर पार्टी में जाती है अब कई बार पार्टी में सोचा उसको ब्रॉन्सकी मिल जाता है एक बार नहीं कई बार मिलता है ठीक है अब इसके बाद से क्या होता है कि एना के अंदर थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जब जब उसको ब्रॉन्सकी मिलता है पार्टीज़ में उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट आता है एक साइड पर उसको लगता है कि उसको ब्रॉन्सकी का इस तरह से उसको चेस करना उसको लगता है ब्रॉन्सी उसको चेस कर रहा है और ब्रॉन्सकी चेस कर भी रहा था उसको लगता है कि ब्रॉन्सिस उसको जो चेस कर रहा है उसको पसंद नहीं है फी डोंट फी डेंट लाइक इट कि ब्रांसकी आए पार्टी में उसको चेस करे उसके आगे पीछे उसके मडराता रहे ठीक है तो उसको पसंद नहीं था लेकिन वो ऐसा सोचती है लेकिन जब भी ब्रॉन्सकी उसके सामने आता है जब भी वो ब्रॉन्सकी को देखती है वो तो चेहरा खिल उठता है उसको लगता है कि जो, जो दुनिया है बिल्कुल कलरफुल हो गई है उसके चेहरे पर वही खुशी आ जाती है एक ना चेहरा तो एकदम चेहरा एकदम जगमगा जाता है ट्यूबलाइट की तरह समझ लो आप ठीक है एकदम चेहरा जगमगा जाता है ड्यू टू हैप्पीनेस उसको जो दुनिया बड़ी अच्छी लगती है काइंड ऑफ अ ब्लिस ब्लिसफुल वर्ल्ड अभी तक जब वो घर में बैठी थी तो दुनिया उसको बड़ी डार्क सी लगती थी बट जैसी उसको ब्रांस की दिखता है ना पार्टी में उसकी पूरी दुनिया कलरफुल हो जाती है उसको दुनिया बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती है तो ब्रॉन्सकी एक चार में और बिल्कुल उसको वही इफेक्ट क्रिएट होता है जब भी वो ब्रांसकी से मिलती है एक बार दो बार तीन बार दसवीं पार्टी में भी जब भी उससे मिल रही है हर बार उसके अंदर ब्रांसकी का सेम इफेक्ट है जब पहली बार ब्रांसकी मिला था काइंड ऑफ जो लव एक्ट फर्स्ट साइड पर जो इफेक्ट होता है ना क्रिएट लवर्स के बीच में उस सेम इफेक्ट क्रिएट होता है रॉन्सकी से मिलके उसको दुनिया एकदम जन्नत लगना स्टार्ट हो जाती है जब जब वो रॉन्सकी वो देखती है तो उसको फिर एक चीज़ रिलाइज होती है कि शायद वो अपने आप से झूठ बोल रही थी क्योंकि वो अपने आप से बोलती है कि नहीं नहीं मुझे रॉन्सकी पसंद नहीं है मुझे रॉन्सकी मुझे चेस करता है मुझे पसंद नहीं है बट जब जब रॉन्सकी उसको मिल रहा है तो उसको वो फीलिंग आ रही है उसे कभी नहीं आई शी फील्स वेरी वेरी हैप्पी वेरी एक इलेशन वाली फीलिंग आती है इलेटेड शी फील इलेटेड अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है तो उसको लगता है कि पहली बार वालू में पड़ता है कि मैं तो अपने आप को ही धोखा दे रही थी मैं तो अपने आप को झूठ बोल रही थी बात तो ये है कि मुझे बहुत पसंद है ब्रांस की अब उसको एक चीज़ रिलाइज होना शुरू होती है कि सच में वो की से बहुत प्यार करती है उसको लाइक करती है तो उसको अपने आप से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा तो अपने आप से झूठ बोल रही थी ठीक है तो अगर मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो इसमें अगर आप देखेंगे ब्रदर कामजोव अगर आपने मेरे लेक्चर सुने ब्रदर कामजो बनाया डॉस्ट्रोस की डोस्ट्रस की ब्रदर कामजोब में जो एक फादर जोसिमा के थ्रू ये बात बुलवाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ वो नहीं है जो हम दूसरों से बोलते हैं दुनिया में सबसे बड़ा झूठ वो है जो हम खुद से बोलते हैं आदमी खुद से बहुत झूठ बोलता है और उसको पता भी नहीं होता झूठ से बोल झूठ बोल रहा है ठीक है तो पर्सन इज ब्लाइंड तो टूवर्ड्स हिज ओन ब्लाइंडनेस ह्यूमस आर ब्लाइंड टूवर्ड्स देर ओन ब्लाइंडनेस खुद तो से झूठ बोलते रहते हैं लेकिन उन मालूम पड़ता है झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे है ना कि उसमें भी दिखाई दे रहा है अगर मैं डॉस्टोस और टोल स्टो कनेक्ट करूँ यहाँ पे तो जो फादर जोशिमा ने ब्रदर कामजोर में बोला वो यहाँ पे बोल एना के थ्रू बुलवा रहा है टोल है कि वो अपने आप से झूठ बोल रही थी कि उसको पसंद नहीं है वो उसको चेस करता है उसके पीछे आता है ठीक है एंड ही इज़ परस्यूइंग हर लेकिन जिसकी बॉडी लैंग्वेज है जा बहुत चेंज हो रही है शी फील्स इन हेवेन शी फील्स वेरी ब्लेसफुल द वर्ल्ड इज कलरफुल एवरी इज़ वेरी गुड ठीक है तो उसको रिलाइज़ होता है कि वो अपने आप धोखा दे रही थी अब होता क्या है तो यहाँ पर हमें ये चीज़ मालूम पड़ती है अब फिर एक यहाँ पे ये सीन हुआ ठीक है धीरे धीरे ऐना का भी अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट होता है रॉन्सकी की तरफ और काइंड ऑफ द बिकम लव वर्ड्स काइंड ऑफ और धीरे धीरे थोड़ा ना बात सोसाइटी में मिलना स्टार्ट हो जाती है कि एना इन्वॉल्व है रॉन्सकी के साथ अब सीन चेंज हो रहा है अब तीसरा सीन है कहीं पार्टी हो रही है ठीक है और उस पार्टी में कुछ लेडीज़ हैं वो आपस में डिस्कशन कर रही हैं अब जब डिस्कशन होता है तो वहाँ डिस्कशन करते करते कई चीज़ों का डिस्कशन है लेकिन वो इतना मुझे लगा नहीं असेंशियल है तो जो मेन असेंशियल है वो बताता हूँ आपको वो ए इसके एना और वरोंसकी के बारे में बात करते हैं तो एना वरस्की के बारे में बात करते हैं तो ये होता है कि जो एना है ना वो जब से वहाँ से आई है मॉस्को से तब तो से चेंज हो गई है वो अपने साथ एक शेडो लेके आई है अपने साथ एक परछाई को लेके आई है तो परछाई कौन है लोग कहते हैं है वरोंस्की को लेके आई है तो वहाँ पर फिर एक कोई कमेंट कर देता है पार्टी में कि अगर वुमेन के साथ परछाई चले ना तो उसका एंड अच्छा नहीं होता तो काइंड kind ऑफ of क्या होता है जो एना है अब लोगों को पता चल गया है कि वो अफेयर में इन्वॉल्व है और एक्स्ट्रा मोनिटल अफेयर है तो ऑब्वियसली वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है तो लोग उसका कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ा रहे हैं खिल्ली उड़ा रहे हैं ठीक है दे आर ट्राइंग टू डिनाउंस सर उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना को तो वहाँ पर एक एक लेडी होती है वो है की फ्रेंड है तो ये सब चीज़ें बातें सुन रही है कि लोग एना की बुराई कर रहे हैं ठीक है तो बैक बाइटिंग हो रही है तो उसको ख़राब लगता है अब इस पार्टी में ऐना नहीं है इस पार्टी में ऐना और उसकी कोई नहीं है तो ये लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर एक लेडी होती है वो उसको जानती थी ऐना की उसकी फ्रेंड थी वो आगे एक बात बोलती है कि ऐना के बारे में आप कुछ गलत बात मत बोलिए ठीक है डोंट स्पीक एलॉफर और स्पेशली जब आप उसके पीछे बोल रहे हैं पीठ पीछे बोल रहे हैं वहाँ पे है नहीं वो तो बिल्कुल उसके बारे में गलत मत बोलिए मैं उसको बहुत एडमार करती हूँ शी इज़ अ वेरी जेंटल काइंड एंड अ नोबल लेडी तो ये बातें आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती हैं ठीक है इट डजेंट सूट यू डोंट टॉक ऑफ इल बिहाइंड आर बैक इस तरह की बात करती है और जहाँ तक एना तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं बात करूँ उसके हस्बैंड की है उसके हस्बैंड में बात ले आती है एलेक्जी पे एलेक्जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ पे एक लेडी होती है वो कहती है अरे मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि उसके जैसा तो कोई लीडर ही नहीं है पूरे यूरोप में एक दूसरी लेडी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये मेरे हस्बैंड भी ये है कहते हैं तो फिर वो लेडी बोलती है जो एना को डिफेंड कर रही थी कि मैं भी पहले ये समझती थी मेरे हस्बैंड भी ये समझते थे मेरे को बार बार बोलते थे कि जो एलेक्जी है उसके ऐसा तो यूरोप में कोई लीडर ही नहीं है स्टेट्समैन ही नहीं है बट जब मैंने उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू करा तो मुझे वो ऐसा लगता नहीं है कहीं से भी मुझे कहीं से भी वो इंटेलिजेंट नहीं लगा आई फाइंड हिम सिली इंटेलिजेंट लगता मुझे वो सिली लगता है तो क्या है एक तरीके से यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है जो बातें हो रही हैं ठीक है थीके? इसके थ्रू मैं ये मालूम की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमंस को बड़ा मजा आता है बातें करने में गप्पे लगाने में ये तो हमें टोल स्ट्रॉय दिखाने की कोशिश करिए अब ये जो बैकग्राउंड है जो पूरा ये जिस पर बातें क्यों दिखा रहा है वो ये बड़े इन्फ्लुन्शल लोग हैं सोसाइटी के बड़े ही वेल्दी सबसे क्रीमी क्लास है ना एलिट क्लास ये वो लोग हैं तो टॉल स्ट्रॉय दिखा रहा है चाहे एलिट हो चाहे नॉन एलीट हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो आदमी हर जगह बेसिक ह्यूमन नेचर सेम है आदमी हर जगह ये सब करता है गप्पे गप गप्पबाजी चलती है गप्पे लगाते हैं लोग बैठ के वहाँ पार्टी में भी लोग गप्पे लगा रहे हैं और गप्पे भी क्या लगा रहे हैं लोग मजे के चीज़ मारे हैं ठीक है मजे आ रहे हैं इन सब चीज़ों में कि किसका किससे अफेयर चल रहा है किसका किससे नहीं चल रहा कहां किसका एक्स्ट्रा मेटर चल रहा है कौन किसके साथ भाग गया कौन किसके साथ इन्वॉल्व है तो हर एक जो सोसाइटी में जो वो है आपका लेवल है हर लेवल पे वही बातें हो रही हैं चाहे वो बिल्कुल आप लोअर लेवल पे ले जाएं या बिल्कुल आप हाईएस्ट लेवल पे ले जाएं हर लेवल पे वही बात होती है 99 परसेंट ह्यूमन नेचर सेम है 99 परसेंट लोग सेम बातें करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई ऐसा नहीं कि ये सारे बहुत एजुकेटेड लोग हैं बहुत हाईली एजुकेटेड है एलिट है वेल्दी है टॉप वन परसेंट क्रीम है क्लास की वहाँ पे पीटर्स की बातें लेकिन वही हो रही हैं और आप बिल्कुल उसमें चले जाएंगे बिल्कुल आ, अगर गरीब तबके में चले जाए हम यही बातें हो रही हैं तो ह्यूमन नेचर में जो गॉसिपिंग है ना मैं गॉसिप करने की आदत है गप मारने की आदत है वो हमारे अंदर है तो वो ह्यूमन नेचर को हम पोर्ट्रे कर रहा है पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे टॉल स्ट्रॉय ठीक है तो ये चीज़ होती है तो ये बातें हो रही हैं इतने में क्या होता है ऐसा पीठ पीछे बातें हो रही थी एना व्रॉन्स की में वहाँ पर पार्टी में एंट्री हो जाती है वो बैट्सी की जो प्रिंसेस बेटसी है और उसके बाद आया था व्रॉन्स की अब व्रॉन्स की खुश होता है तो प्रिंसेस बेटसी वहाँ पे जब जैसी पहुँचती है किंग्स व्रॉन्स की तो पार्टीज में इंटरेस्ट था तो प्रिंसेस बेटसी पूछती है यार किसके बारे में बात हो रही है कहीं हमने कुछ बातचीत तो नहीं कर दी कुछ हमें ही बताओ बड़े आप लोग गॉसिपिंग कर रहे हो ठीक है तो काइंड ऑफ सरकार कमेंट था वहाँ तो पे जो लेडीज़ होती हैं कहते अरे अरे अभी तो हम एना ऑफ ब्रांसकी के बारे में बात कर रहे थे आजकल एना ऑफ ब्रांसकी बड़े छाए हुए हैं सोसाइटी में ठीक है तो बड़े ही लाइमलाइट में रहते हैं दोनों अभी ब्रांसकी को लोगों ने देखा नहीं था ब्रॉसकी पीछे की साइड से आ रहा था तो इतने में ब्रांसकी भी आया था अपना नाम सुनता है ब्रॉसकी कहते अरे अरे मेरे बारे में बात हो रही है क्या बात हो रही है आप मुझे बताइए क्या बात हो रही है ठीक है तो अब वरसल को भी इंटरेस्ट आ रहा है कि उसके बारे में भाई बड़ा मज़ा आता है लोगों को इंटरेस्ट आता है कि अगर उनके बारे में कोई बात हो रही हो तो ठीक है चाहे नाम हो रहा है बदनाम हो रही है लेकिन एक ईगो तो बूस्टअप होती है कि बात तो हो रही है एटलीस्ट मैं लाइन लाइट में तो हूँ चर्चा में तो हूँ मैं ठीक है बदनाम हुआ तो क्या हुआ नाम तो हो गया तो वरान को भी बड़ा इंटरेस्ट है कि मेरे बारे में एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं लोग तो अब इस पार्टी में आइए क्या होगा इस पार्टी में क्या कुछ अलग होगा क्या कुछ अलग कॉन्वर्सेशन होगी और कहानी आगे कैसे जाएगी ये आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में इतना ही अगर मेरे वीडियोस ठीक लगते हैं तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको सब पहले शेयर कर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो नरेशन है कहानी का वो आपको कैसा लग रहा है अ नाइस डे बाय बाय टेक केयर थैंक यू